हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना तले हुए मछली। तो चलिए बनाने की रेसिपी देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये हमने 2 किलो रोहू मछली ली है। मसालों में हमने 3 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये कुछ धनिया का पत्ता हमने कट करके रख लिया है और 2 चम्मच ये सरसों का दाना है, 1 बड़ा सा प्याज, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां हैं जिनका हमें पेस्ट बनाना है। तो अब हम चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई हमने गर्म होने को रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, तो ये हमने 4 चम्मच डाला है। मछली में थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डालता है, तो हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन और सरसों का। अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों डालेंगे। ऐसे कलर आने तक वेट करेंगे, ये थोड़ा इसका कलर बदल जाए तब हम इसमें अपना मसाले डालेंगे। तो आज हम बिना तले हुए मछली बना रहे हैं, ये भी उतना ही टेस्टी बनता है जितना कि तला हुआ मछली। तले हुए मछली का भी रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना पेस्ट डाल लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। अब हम ये मसाले डाल लेंगे, सूखा हुआ मसाला, सूखा मसाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए मसालों के ऊपर तेल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें मछली के पीसेस डाल लेंगे अपने सारे। धनिया पत्ता डाल लेंगे। अब मसालों के साथ मछली को भूनेंगे, क्योंकि हमने तल के नहीं बनाया है तो मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर निकल के आया है मछली का। 2 मिनट इसको भी भूनना है अच्छे से कोट करके मसालों को। इसको हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि ये जल्दी टूट टूट जाता है, मछली जल्दी पक जाती है। तो इसके साथ भी भून चुका है, अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। जैसा आपको पसंद है, गाढ़ा रखना हो तो कम डालिएगा पानी और पतला रखना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा पानी। तो अपने हिसाब से तरी बनाना है इसका। तो हमने तो चावल के साथ बनाया है मछली को, तो हमने थोड़ा सा पतला रखा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और नमक को मिला लेते हैं चारों तरफ से, मिक्स कर लेते हैं नमक को। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, देख लेते हैं मछली को। ये देखिए ये बन चुका है। अब इसको अब चलाएंगे नहीं, हल्का सा देख लेंगे। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं।
ये देखिए हमारी मछली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा अपने किचन में। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।